हेलो, हाय बेबी। हाय, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी. आप इतनी टाइम क्यों कॉल कर रही हो? मेरे आलोक आलोक जी को पता चल जाएगा तो वो पता नहीं. अरे तुम्हारे पति पति की बात कर रहे हो? अरे पति तो कोई बात है, सोया नहीं अभी तक क्या? वो नहीं, अभी जग रहे हैं, बच्चों के पास है. बच्चों के पास है? यार तुम कब से मेरे को बोल रही कि यार उसको तलाक दूंगी? कब दे रही हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार, जब बोला है तलाक देने के लिए दूंगी, वो देगा तभी तो ना. ही वो मुझे तलाक दे रहा है, सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा कर दिया. इसको तो जी करा जान से मार दूं. क्या क्या नहीं वो करा, जाके झूठी कंप्लेन भी करवाया कि दहेज के चक्कर में इन लोगों ने मुझे मारा पीटा. और बोल रहे हैं तो पैसों के लिए, फिर भी वो पता नहीं कैसे बच जा रहा है. तो यार अब मेरी बात सुनो, मैं किसमें क्या हेल्प करना करूँ ये बताओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ साथ में रहें और क्या तुम्हारा पति अलग बताइए, हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए, तो उसमें क्या हेल्प करूँ बताओ। क्या करना है यार? इसको अब माँ जान से मरवाना है, क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं. पता नहीं कब तक क्या करेगा, क्या चलेगा. ये जान से मरेगा, खत्म खत्म कहानी होगी इसकी. बाकी तुम अपने पास को कब तलाक दे रहे हो? अच्छा तो क्या करें बताओ, क्या प्लान करें ये बताओ। कुछ तो सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का. अच्छा गाड़ी से कुचलवा दें? हाँ, और नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना. हाँ, या फिर शाम को जब आते हैं उस टाइम, दो ही टाइम है हमारे पास इनको घर से बाहर निकलते हैं. अच्छा तुमने खाना खाया? अगर खाना नहीं खाया ना तो जहर है ना, जहर की दवाई दे, मार दो उसे। यार, जहर मैं कैसे लेके आऊंगी? तू पता ही, तो मैं दुकान ले जहर देती भी नहीं है. पहले पूरा उनको जाना है. हाँ, वो भी ऐसे जहर देंगे तो चूहा हुआ मान रही, उसे तो मरने वाला नहीं है वो. अच्छा अरे नहीं, मर जाएगा जब चूहे मारने की अगर दवा दोगे तो। अरे नहीं मरेगा वो, पता है मुझे. चूहे मारने से कोई कोई थोड़े ना मरता है दवाई से. अच्छा सुना आपने, इस ऑडियो में बेहद सनसनीखेज बातें हो रही हैं। इसमें हत्या की प्लानिंग हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये ऑडियो ज्योति और मनीष के बीच बातचीत का है? अगर वाकई ऐसा है तो ये मामले में बड़ा सबूत साबित हो सकता है। एक बार फिर सुनिए ये ऑडियो. हेलो, हाय बेबी। हाय, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी. आप इतनी टाइम क्यों कॉल कर रही हो? मेरे आलोक आलोक जी को पता चल जाएगा तो वो पता नहीं. अरे तुम्हारे पति पति की बात कर रहे हो? अरे पति तो कोई बात है, सोया नहीं अभी तक क्या? वो नहीं, अभी जग रहे हैं, बच्चों के पास है. बच्चों के पास है? यार तुम कब से मेरे को बोल रही कि यार उसको तलाक दूंगी? कब दे रही हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार, जब बोला है तलाक देने के लिए दूंगी, वो देगा तभी तो ना. ही वो मुझे तलाक दे रहा है, सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा कर दिया. इसको तो जी करा जान से मार दूं. क्या क्या नहीं वो करा, जाके झूठी कंप्लेन भी करवाया कि दहेज के चक्कर में इन लोगों ने मुझे मारा पीटा. और बोल रहे हैं तो पैसों के लिए, फिर भी वो पता नहीं कैसे बच जा रहा है. तो यार अब मेरी बात सुनो, मैं किसमें क्या हेल्प करना करूँ ये बताओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ साथ में रहें और क्या तुम्हारा पति अलग बताइए, हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए, तो उसमें क्या हेल्प करूँ बताओ। क्या करना है यार? इसको अब माँ जान से मरवाना है, क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं. पता नहीं कब तक क्या करेगा, क्या चलेगा. ये जान से मरेगा, खत्म खत्म कहानी होगी इसकी. बाकी तुम अपने पास को कब तलाक दे रहे हो? अच्छा तो क्या करें बताओ, क्या प्लान करें ये बताओ। कुछ तो सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का. अच्छा गाड़ी से कुचलवा दें? हाँ, और नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना. हाँ, या फिर शाम को जब आते हैं उस टाइम, दो ही टाइम है हमारे पास इनको घर से बाहर निकलते हैं. अच्छा तुमने खाना खाया? अगर खाना नहीं खाया ना तो जहर है ना, जहर की दवाई दे, मार दो उसे। यार, जहर मैं कैसे लेके आऊंगी? तू पता ही, तो मैं दुकान ले जहर देती भी नहीं है. पहले पूरा उनको जाना है. हाँ, वो भी ऐसे जहर देंगे तो चूहा हुआ मान रही, उसे तो मरने वाला नहीं है वो. अच्छा अरे नहीं, मर जाएगा जब चूहे मारने की अगर दवा दोगे तो।
अरे नहीं मरेगा वो, पता है मुझे, तुझे मारने से कोई कोई थोड़ी ना मरता है दवाई से। अच्छा।